मैं हूं नफीसा खान और आप सुन रहे हैं फिल्मी बीट। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है और ये वीक अपने प्यार के लिए, अपने जज्बों का इजहार करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में जब हर तरफ प्यार का खुमार छाया हो तो किसी को क्यों ना अपना पहला प्यार, अपना पहला क्रश याद आए। और ऐसी ही कुछ खास यादें साझा की स्वरा भास्कर ने एक इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने अपनी लव लाइफ और क्रश से लेकर सेक्स तक के बारे में खुलकर बातें की। स्वरा ने कहा कि सेक्स एक बहुत नॉर्मल चीज है, आप जिसे प्यार करते हैं उसके साथ सेक्स करना लाजमी है और अच्छा फील आता है। साथ ही स्वरा ने यह भी बताया कि उनका सीक्रेट सेलिब्रिटी क्रश शाहरुख खान पर हुआ था। बकौल स्वरा, किसी के लिए पहली नजर में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, प्यार नहीं। जिस तरह पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक वैसे ही दो दिलों के बीच प्यार बढ़ता है। अपनी लव लाइफ का राज खोलते हुए स्वरा ने बताया कि कॉलेज के दिनों में जिस लड़के को वो डेट कर रही थी उससे एक बार उन्होंने पूरे दिन झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारा झगड़ा आए दिन होता रहता था, लेकिन एक बार मैंने पूरे दिन ड्रामा कर डाला। मैं पार्क में गई, वो मेरे पीछे आया, मैंने वहां सबके सामने उससे झगड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद मैं गुस्से में मेट्रो में बैठ गई तो वो वहां भी मेरे पीछे आ गया, मैंने वहां भी सबके सामने उससे झगड़ा किया, हम पूरे दिन लड़ते रहे। अब सोचती हूँ उस बारे में तो वो सब बहुत ही बचकाना हरकतें लगती हैं। शादी से पहले सेक्स के बारे में स्वरा ने कहा कि ये बहुत बेसिक और नॉर्मल चीज है। आप जिसके साथ प्यार करते हैं अगर उसके साथ सेक्स किया जाए तो ये बहुत इंजॉयबल होता है। तो ये थे विचार स्वरा भास्कर के इस वैलेंटाइन वीक में लव, सेक्स और एसआरके के बारे में। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।